सर एक वीडियो उस पर बनाओ ना कि नेक्स्ट ईयर को बेस्ट ईयर कैसे बनाएं, अपने सपनों को पूरा कैसे करें। बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज देखने के बाद मुझे भी अंदर से लगा कि यार इस टॉपिक पर तो एक वीडियो जरूर बनता है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। इस वीडियो को सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसे समझना भी है, क्योंकि इस वीडियो में बताई हुई बातों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ द नेक्स्ट ईयर विल बी बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो एक साल का मतलब होता है 365 दिन, मतलब कि 8760 घंटे, और 8760 घंटों का मतलब 525,600 मिनट, और 525,600 मिनट में होते हैं 3,15,36,000 सेकंड्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें भी पता है। मैं जानता हूं कि आपको ये पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि इन 3,15,36,000 सेकंड्स की कीमत कितनी है। 3 करोड़ को छोड़ो, ये बताओ एक सेकंड की कीमत कितनी है। मैं बताता हूँ, अगर एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी आप वापस लेना चाहो तो अपनी जान देकर भी नहीं खरीद सकते। लेकिन यही वक्त एज ए गिफ्ट आपको फ्री में मिलता है, जिसे आप बर्बाद कर देते हो। देखो पूरे साल को बेहतर बनाने के बारे में सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगा। जब भी तुम कुछ करने के बारे में सोचोगे तो तुम्हें बोलेगा कि अभी तो बहुत टाइम है यार, जनवरी तो निकला है, अभी 11 महीने हैं अपने पास, बहुत कुछ कर लेंगे। तुम्हारा दिमाग इस एक साल को लंबा टाइम समझ के तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगा। और इसी तरह जनवरी, फरवरी और फिर दिसंबर, फिर एक नया साल आएगा, फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें यही बोलेगा, फिर जनवरी, फरवरी और फिर वही दिसंबर, और ऐसे ही 25, 50, 75, 100 राम नाम सत्य है, हो गई जिंदगी पूरी। इसलिए अगर साल को बेहतर बनाने के बारे में सोचोगे तो ना तो आपके सपने पूरे होंगे और ना ही कोई साल बेहतर होगा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इस ईयर को बेस्ट ईयर बनाएं? देखो इसके लिए आपको करना क्या है, साल को बेहतर बनाने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हर एक सेकंड को बेहतर बनाने के बारे में सोचना है कि आने वाले हर एक सेकंड को आप कैसे खर्च करोगे, उसे कैसे यूज में लोगे। यार जिस दिन आपको टाइम खराब करने से डर लगने लग गया ना, उस दिन से एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगा, और जिस दिन आपके लिए एक सेकंड कीमती हो गया उस दिन से हर साल आपकी जिंदगी का बेस्ट साल होगा। लेकिन आपको तो वक्त बर्बाद करने से डर ही नहीं लगता होगा, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो आपको वक्त बर्बाद करने से डर तब लगेगा जब आपके पास कोई टारगेट होगा, मतलब कि आपका जो भी सपना है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपको रोज एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि आज मुझे इतना काम करना ही करना है, फिर इसके लिए चाहे रात के 12 बजे या फिर 2, और अगले दिन का टारगेट बनाकर सोना है कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है। जब आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाओगे, उन्हें पूरा करोगे, तो ऑटोमेटिक आपको टाइम बर्बाद करने से डर लगने लग जाएगा, क्योंकि रोज अपने सपनों पर काम करना आपकी आदत बन जाएगी। और फिर एक साल बाद जब आप अपने आप को एनालाइज करोगे, जब आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, तब आप खुद से जरूर कह पाओगे कि ये साल मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल था, क्योंकि तुमने अपना बेस्ट दिया। इसलिए दोस्तों हर एक सेकंड को बेस्ट देने की कोशिश करो, हर एक सेकंड को बेहतर बनाओ, साल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और इस मोटिवेशनल विंग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।